आज की 31 मार्च 2020 की साकार मुरली पर स्लोगन है संपूर्ण समर्पण। स्लोगन पर प्रश्न है संपूर्ण समर्पण क्या है, और स्लोगन है अपने विकारी स्वभाव व संस्कार। स्वभाव कहा जाता है हमारी जो अभिव्यक्ति होती है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं। स्वभाव पता लगता है हमारी वृत्ति से, हमारे व्यवहार से, और संस्कार हम आत्मा के बने हुए कानून हैं। ठीक है, अपने विकारी स्वभाव संस्कार क्या करने हैं, कर्म। तीसरा क्या है, कर्म को समर्पण कर देना ही, समर्पित होना है। समर्पण के लिए क्या चाहिए, एकदम एकदम बिल्कुल जरा भी कोई भी संस्कार, संस्कार स्वभाव पहले वाला ना रहे, वो सब खत्म। आज से बाप के डायरेक्शन के अनुसार ही हमको चलना है। ये जब समर्पण कर देंगे ना, कोई भी आसुरी संस्कार स्वभाव नहीं आएगा, तब समझो आप समर्पित हैं। बाकी कोई सेंटर पर जाकर समर्पित होना, समर्पित होना नहीं है। ओम शांति। दूसरा प्रश्न है हमारा, दुनिया का नया नोट तुम बच्चों को मिलता है कौन सा, और दूसरा है अलाउद्दीन की बत्ती भी मशहूर है ना कौन सी। जब मौत सिर पर आती है तो सभी भगवान का नाम लेते हैं, आजकल इत्फाक तो बहुत होते रहते हैं, आहिस्ते आहिस्ते आग फैलती है, आग शुरू होगी विलायत से, फिर आहिस्ते आहिस्ते सारी दुनिया जल जाएगी। पिछाड़ी में तुम बच्चे ही रह जाते हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाती है तो फिर तुमको वहां नई दुनिया मिलती है। नई दुनिया को वैकुंठ या स्वर्ग कहते हैं। दुनिया का नया नोट तुम बच्चों को मिलता है, जब नया नोट, कौन सा नया नोट होगा, क्योंकि अब हम अकर्म का खाता बनाएंगे। नई चीज है ना जो बाबा हमें सिखा रहा है, अकर्म का अकाउंट जितना बनाएंगे उसके रिटर्न में हमको सतयुग में अकर्म मिलेंगे। सतयुग त्रेता में होते हैं अकर्म, द्वापुर से शुरू होते हैं विकर्म। कर्म वो हैं जो बाबा करने के लिए कहे, कर्म वो हैं जो बाबा के लिए ना करने के लिए कहे। तो ये हो गया नोट, करेंसी वहां की, क्योंकि जिस देश में जाना है उस देश की करेंसी चाहिए। तो सतयुग की करेंसी है अकर्म का खाता। तुम राज्य करते हो, अलाउद्दीन की बत्ती भी है, अलाउद्दीन का चिराग जिसे हम कहते हैं, ठीक नहीं, उससे जो मांगो वो मिल जाता है। बरोबर तुम जानते हो अल्लाह अव्वल दीन, खुदा स्वयं आकर अव्वल दीन स्थापन करते हैं। कहां पर, इसी दुनिया में, दिखाई यहां देगा और मिलेगा जाकर सत्य में। याद करो सब साक्षात्कार भी होंगे लास्ट में, नवधा भक्ति से भी काम, नवधा भक्ति से भी साक्षात्कार होता है ना। यहां तुमको एम ऑब्जेक्ट है और फिर तुम्हारे को साक्षात्कार भी है। तुम बाबा को स्वर्ग को बहुत याद करेंगे, घड़ी घड़ी देखते रहेंगे जो बाबा ज्ञान में मस्त, जो बाबा की याद में और ज्ञान में मस्त होंगे वही अंत की सभी सीन सीनरियों को देख सकेंगे। बड़ी मंजिल है।
बड़ी ऊंची मंजिल है। तो हमें समझ में आया कि हमें क्या करना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है। ठीक है, ओम शांति।